हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मटेरियल साइंस मेटलर्जी सब्जेक्ट वीडियो लेक्चर सीरीज। इस सब्जेक्ट के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी इलेक्ट्रोलिसिस की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में कुछ ओवरव्यू देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जिंक की। तो जिंक का जो मटेरियल है उसका हम प्लेटिंग कहाँ पे करते हैं? तो आपने कई सारे ऐसे घर के अंदर या फिर उसके छत में आपने ये रूफ देखे होंगे, ओके, एक कई घर पे जो लगाते हैं, यानी जो मटेरियल जो होता है उसको हम गैल्वेनाइज मटेरियल भी बोलते हैं। तो गैल्वेनाइज प्रोडक्ट बनानी हो, उसको कोटिंग करना हो, ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिंक मटेरियल का प्लेटिंग करते हैं। दूसरा जो है वो है कैडमियम मटेरियल का। तो कैडमियम का प्लेटिंग कहाँ पे करते हैं? कैडमियम का प्लेटिंग हम कोरोजन रेजिस्टेंस यानी काट प्रतिरोध, गुजराती में बोले तो कोरोजन रेजिस्टेंस बनाना हो। और तो कोरोजन आप सबको पता है मोस्टली जो एटमोस्फियर के कॉन्टेक्ट में होता है या फिर पानी के कॉन्टेक्ट में जब आता है, ओके, तब मटेरियल पे क्या होता है, कोरोजन होता है। तो उस कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए यानी भी मरीन एप्लीकेशन में खास करके हम एक कैडमियम मटेरियल जो है उसका हम प्लेटिंग करते हैं। ये कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम कैडमियम मटेरियल जो है उसका प्लेटिंग करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है निकल मटेरियल। जो निकल मटेरियल का प्लेटिंग हम करते हैं उसको कोरोजन रेजिस्टिव बनाने के लिए, और उसको एट्रैक्टिव बनाना हो और डेकोरेटिव बनाना हो तो उसके लिए हम उसके ऊपर कौन सा प्लेटिंग करते हैं, निकल मटेरियल जो है उसका हम प्लेटिंग करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्रोमियम मटेरियल। तो क्रोमियम मटेरियल का प्लेटिंग मटेरियल जो है जो दो कॉन्टेक्ट में जो मटेरियल आते हो, ओके, मीटिंग पार्ट जो हो यानी जो जिसपे वियर ज्यादा हो रहा हो, ओके, तो उसको वियर रेजिस्टेंस बनाना हो, गुजराती में कहिए तो घसारा प्रतिरोधक, उसको वियर रेजिस्टेंस बनाना हो और एट्रेक्टिव बनाना हो तो उसके लिए हम क्रोमियम मटेरियल का क्या करते हैं, प्लेटिंग करते हैं। तो कई सारी इक्विपमेंट आपके घर में भी यूज होती होगी, उसके ऊपर भी आपको पता नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर ये क्रोमियम मटेरियल जो है उसका होता है। क्रोमियम का मटेरियल प्लेटिंग क्यों करते हैं, वियर रेजिस्टेंस और एट्रेक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है टीन। वो तो बहुत सारे आपके घर में एक ना एक तो जो डब्बे जो यूज करते हैं जिसके अंदर आप गेहूं या फिर अलग अलग राइस ये सब स्टोर करने के लिए यूज करते हो, ओके, तो उसका जो मटेरियल जो होता है उसके ऊपर जो प्लेटिंग करते हैं, ओके, किचन में मोस्टली करके मोस्ट ऑफ किचन में जो यूज होता है, ओके, किचन यूटेंसिल जो होते हैं उसके ऊपर जो कंटेनर फूड कंटेनर होते हैं उसके ऊपर टीन का प्लेटिंग करते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा टीन का डब्बा, ओके, टीन के डब्बे लेने के लिए जब जाते हो तो उसके ऊपर टीन का प्लेटिंग करते हैं, ओके, वो क्यों करते हैं, क्योंकि मटेरियल उसके अंदर जो भी चीज भरते हो आप, ओके, उसको जो मटेरियल के साथ एसिडिक इफेक्ट ना हो, ओके, एसिडिक इफेक्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो मटेरियल होता है उस मटेरियल के जो डब्बा जो होता है उसके ऊपर हम टीन मटेरियल का क्या करते हैं, प्लेटिंग करते हैं, ओके। और नेक्स्ट जो है वो है कॉपर। कॉपर भी आप बहुत जगह पे यूज होता ही, आपके घर में जो किचन के जो बर्तन जो होते हैं किचन में उसके नीचे का जो बेस होता है उसके ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा जो ऑरेंज कलर जैसा होता है वो भी क्या है, कॉपर का प्लेटिंग किया होता है, जिसके कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा है और अच्छा भी दिखता है, उसके लिए हम वो नीचे का जो बेस होता है गैस के ऊपर जो रखते हैं, स्टोव के ऊपर जो रखते हैं उसको हम कॉपर का करते हैं। और यहाँ पे आपको दिखता है कॉपर के जो कई सारे इक्विपमेंट, कॉपर का कॉइन्स जो है वो कॉइन के ऊपर भी हम कॉपर का प्लेटिंग करते हैं, कई सारे इक्विपमेंट है उसके ऊपर भी हम कॉपर का प्लेटिंग करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सिल्वर, ओके, कई सारी ज्वेलरी है, हम सिल्वर की ज्वेलरी परचेस ना कर सके लेकिन इमिटेशन ज्वेलरी जो है उसको अच्छा दिखाने के लिए हम उसके ऊपर अंदर मटेरियल अलग होता है लेकिन बाहर जो कोटिंग करते हैं वो कोटिंग सिल्वर का हम करते हैं, यानी जो और दूसरा जो म्यूजिकल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसके ऊपर भी हम सिल्वर का प्लेटिंग किया जाता है। यहाँ पे आपको दिखता है जो, ओके, नेकलेस उसके वो भी क्या इमिटेशन ज्वेलरी है उस वो भी कई सारे उसके ऊपर ये सिल्वर का प्लेटिंग किया हुआ होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा
के इलेक्ट्रोलिसिस की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में डिस्कस किया। ओके, आई होप आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रोलिसिस की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का फंडा क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।